अगर ये डिस्चार्ज आपको गुलाबी, भूरा या फिर हल्का ग्रीनी हो रहा है तो ऐसे दोस्तों व्हाइट डिस्चार्ज का होना लड़कियों महिलाओं में होना काफी ज्यादा आम होता है। अनमैरिड लड़की से लेके मैरिड या फिर जो माँ बनने वाली है या फिर जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, उन हर महिलाओं में ये जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी का निकलना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये व्हाइट डिस्चार्ज, जिसे कि सफ़ेद पानी या फिर ल्यूक्योरे के नाम से भी जाना जाता है, ये अगर आपको हो रहा है, लेकिन अगर ये आपको लगातार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात भी होती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर दी है, आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, कि आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज आखिर ज़्यादा क्यों होता है और ये व्हाइट डिस्चार्ज आपके लिए कब खतरे की बात बन सकता है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर अगर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहती है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकती हैं, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने तक आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये व्हाइट डिस्चार्ज का होना यानी सफेद पानी का निकलना लगातार बना रहता है, यानी कि पहले महीने से लेके पूरे 9वें महीने तक आपको ये पानी निकलता रहता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आम होता है। और ऐसा भी माना जाता है, ये व्हाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है लगातार, तो ये जो है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का एक साइन होता है। इससे ये आइडिया भी लगाया जाता है कि आपका गर्भस्थ शिशु इससे बिल्कुल सुरक्षित होता है और सेफ होता है। ये जो व्हाइट पानी होता है, ये सफ़ेद पानी का बनना आपके यूट्रस और प्राइवेट पार्ट के ठीक बीच में होता है। ये जो है महिला के शरीर से डेड सेल्स और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बाहर निकालने का भी काम करता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और ये जो है आपको एक तरीके का प्रोटेक्टर भी देता है, जो कि आपके गर्भस्थ शिशु को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाने का काम करता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरीके का आपको हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ये जो डिस्चार्ज होता है, ये हल्का होता है, पतला होता है, व्हाइट होता है और फ्लोई होता है। तो ये आप इस दौरान नोटिस करिए कि आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बिल्कुल भी इसमें निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, हाइजीन मेंटेन करते रहिए, तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये डिस्चार्ज जो है, अगर गाढ़ा हो जाता है इस दौरान या फिर स्मेली हो जाता है, इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू और आपको साथ ही जलन महसूस होती है, तो आपको ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और इसका इलाज करवाना है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से लेके 6वें 7वें महीने तक क्या होता है कि ये जो डिस्चार्ज होता है, ये गहरा और सफ़ेद रंग का होता है। तो ये आपको इस दौरान व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देगा। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज आपको गुलाबी, भूरा या फिर हल्का ग्रीनी हो रहा है, तो ऐसे में आपको ये चिंता की बात हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। आपको ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, अगर आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज व्हाइट के बजाय किसी अन्य रंग का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूँ प्रेगनेंसी के अंतिम दौर की दोस्तों, तो इस दौरान ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाओं को होता है। वो इसलिए क्योंकि इस दौरान गर्भाशय में शिशु का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। यूट्रस का जो दबाव होता है, वो महिला के निचले हिस्से पर पड़ने लगता है, जिससे कि बार बार ये डिस्चार्ज आपको होता है। तो अगर ये डिस्चार्ज व्हाइट कलर का है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होता है या फिर आपको स्पॉटिंग हो जाती है ऐसी, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात होती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इसके कलर में चेंजेस आपको दिखते हैं या फिर इसमें स्मेल है, खुजली है, आपको जलन हो रही है योनि में, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। तो ये तो बात थी कि आपको किस महीने, किन महीनों में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है, इसका फ्लो आखिर इतना ज्यादा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और साथ ही हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। तो ऐसे में जो एक हार्मोन जिसे कि एस्ट्रोजन कहा जाता है, इसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ये लेवल बढ़ने पे महिलाओं में काफी ज्यादा चेंजेस भी देखे जाते हैं और महिलाओं को कुछ इस तरीके का फ्लो होता है, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज इस दौरान महिलाओं में ज्यादा होने लग जाता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि भला ये व्हाइट डिस्चार्ज आखिर प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा फ्लो में क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और ये कब ज्यादा और कम होता है। आइए जानते हैं दोस्तों, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है, अगर बिना किसी रंग के है,
रंगहीन है, गंधहीन है, आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, इसे आप एज इट इज रहने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें चेंजेस आपको दिखते हैं तो आपको इसमें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, ट्रीटमेंट कराना है, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कर सकते हैं और आपको कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन नहीं, ये यूटीआई इन्फेक्शन तक आपको दे सकता है। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना भी करना पड़ जाता है, तो खतरा जो है आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप इसको सही समय पर ट्रीट कर लेंगे तो आपको इससे निजात मिल जाती है और आपकी गर्भावस्था हेल्दी हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। तो जैसा कि हमारी चैनल का उद्देश्य ही आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।